अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास टू इस्लामियात। आज हम जो हमारा ईमान है कुरान मजीद की खसूसियत, उसके नए अल्फाज करेंगे। आप सब बच्चों ने अपने कॉपी पे ऐसे ही डेट एंड लिख कर अपने कॉपी को रेडी करना है। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर नए अल्फाज लिखवाए हैं उनको नोट करना है, ठीक है। तो कुरान अनवान है, कुरान मजीद की खसूसियत, उसके नए अल्फाज हैं। सबसे पहला जो नया अल्फाज है वो आप देखें, वो क्या है? इल्हामी किताबें, इल्हामी किताबें, इल्हामी किताबें। इल्हामी किताबें क्या होती हैं? इल्हामी किताबें वो होती हैं जो कि अल्लाह ताला ने जो नाज़िल की हों। वैसे तो यहाँ पे दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो किताबें किसी नबी पर या रसूल पर नाजिल हुई होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उनको हम कहते हैं इल्हामी किताबें। जी जैसे कुरान मजीद इल्हामी किताब है, तौरात है, ज़बूर है, अंजील है, ये चार मशहूर इल्हामी किताबें हैं। ठीक, दूसरा वाला हमारा नया लफ्ज है रहनुमाई, रहनुमाई, रहनुमाई। रहनुमाई होती है कि जब हम किसी जैसे हमारे अम्मी अबू हैं, वो हमें कोई तरीका बताते हैं कि ऐसे आपने ये काम अच्छा है, ये बुरा है, आपने चोरी नहीं करनी या किसी से झगड़ा नहीं करना, तो वो हमारे क्या कर रहे होते हैं? वो हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा रहे होते हैं। रहनुमाई होती है कोई अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना। जैसे कि आपको स्कूल में बताया जाता है कि आपने रैपर जो है वो डस्टबिन में फेंकने हैं, नीचे नहीं फेंकने। आपने कॉपी को, अपने बुक को नीट रखना है, आपने शेयरिंग करनी है, ये सब कुछ। तो मतलब कि ये आपकी रहनुमाई हो रही होती है, आपको सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाया जा रहा होता है। तो ये जो कुरान मजीद है, यहाँ पे हमारा टॉपिक कुरान मजीद है, तो हम यहाँ पे कुरान मजीद के हवाले से आपको बताएंगे। तो कुरान मजीद जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। हम अगर कुरान मजीद को पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, तो हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं वो उन सब की तरफ रहनुमाई करेगा। ठीक, रहनुमाई का क्लियर हो गया। रहनुमाई होता है सीधा रास्ता बताना, सही बात बताना, गलत से आपको रोककर सही की तरफ ले जाना, रहनुमाई, रहनुमाई। तीसरा जो हमारा नया लफ्ज है वो है नेकियां, नेकियां, नेकियां। नेकियां क्या होती हैं? अच्छे काम। जो अच्छे काम होते हैं वो नेकियां होती हैं। कोई आप काम कर, जैसे आप किसी को, कोई बाहर फकीर आ गया है तो आपने जो खाना दे दिया है वो क्या हो गया? वो नेकियां आपकी हो गई। जितने भी आप अच्छे काम करेंगे वो नेकियां हैं। कुरान मजीद यहाँ पे अनुमान हो रहा है, अनुमान है हमारा कुरान मजीद की खसूसियत, उसके हवाले से अगर हम कहें तो नेकियां ये हैं। इसमें नेकियां लफ्ज कहा गया है कि अगर हम कुरान मजीद का एक लफ्ज पढ़ते हैं तो हमें उसकी 10 नेकियां मिलती हैं। मतलब अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे, हमें वो हमारी नेकी लिख ली गई, उसको हमें सवाब मिलना है। कुरान मजीद का एक लफ्ज पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं, मतलब 10 गुना हमें सवाब मिलता है। ओके, अगर फोर्थ वाला जो हमारा वर्ड है वो है नसीहत, नसीहत, नसीहत। नसीहत होती है जैसे आप आपको कह दिया जाए कि ये अच्छा काम है, आपने नमाज, आपकी अम्मी अब्बू आप कहते हैं कि आपने नमाज पढ़नी है, आप स्कूल भी हर रोज आते हो, आप हर रोज कुरान पाक पढ़ने भी जाते हो, तो ये सारे आपको कौन बताता है? आपके बड़े आपको बताते हैं, वो आपको नसीहत करते हैं। जैसे वो बता रहे होते हैं कि आपने किसी की चीज नहीं उठानी किसी जगह से, किसी की चोरी नहीं करनी, तो नसीहत होता है अच्छी बात को बता देना, किसी का अच्छी अच्छे बात की तरफ किसी को जो है वो रुझान कर देना कि ये काम अच्छा है, ये तुमने करना है, वो अच्छे काम की तरफ जो है बंदे को मोटिवेट करना, बताना, वो नसीहत होता है। ठीक, अच्छी बात की तरफ आपका जहन जो है वो अच्छी अच्छी तरफ ले जाना, नसीहत। वुजू, 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 वुजू होता है, वुजू जब हम नमाज के लिए करते हैं या कुरान पाक के लिए करते हैं, वुजू से इंसान पाक, वुजू का आप इससे पाक, कि वुजू से हम पाक होते हैं, वुजू करने से हम क्या हो जाते हैं? पाक। वुजू जब हमारा, हम अपने अपने बॉडी को, अपने पूरा वुजू करते हैं तो हम क्या होते हैं? पाक होते हैं। तो वुजू हम वुजू कहेंगे पाक, वुजू का मीनिंग पाक भी हो जाएगा। वुजू आप सब करते हैं ना, तो इसमें कुरान मजीद की खसूसियत में वुजू लफ्ज जो आया है वो है कि हमने जब भी कुरान पाक को पकड़ना है, उसकी तिलावत करनी है, उससे पहले हमें अपने आप को पाक करना चाहिए, वुजू करना चाहिए। सही, सिक्स वाला जो हमारा लफ्ज है वो है अदब, 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 अदब। अदब का मतलब होता है एहतराम करना, इज्जत करना। जैसे हम अपने अम्मी अब्बू का कितना एहतराम करते हैं, अपने दादा दादी का एहतराम करते हैं ना, अदब करते हैं। अदब होता है किसी को इज्जत देना, किसी से, किसी को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, तो यहाँ पे अदब जो लफ्ज आया है कुरान मजीद की खसूसियत में, अदब का मतलब हम यहाँ पे ये लेंगे,
कि जब इधर इस टॉपिक में है कि हम जो है कुरान पाक की जो आयात है उनका अदब करना चाहिए। अदब से मुराद जब भी कोई आपके सामने कुरान की आयात पढ़ता है तो आप या कोई सूरत पढ़ता है तो उसका उसके लिए अदब लाजम है, उसके लिए रिस्पेक्ट लाजम है, इज्जत लाजम है। ये नहीं कि कोई कुरान पाक पढ़ रहा है तो आपने जो है अपनी बातों में बिजी हैं। जब भी आप सुने कि कोई कुरान की आयात आपके कान में आ गई है या कोई बंदा पढ़ रहा है तो आपने क्या करना है, उसके अदब में उसके एहतराम में आपने चुप करना है। ये कुरान पाक की जो है उसके अदब के लिए लाजम है। उसकी आप जो आयात है वो पढ़ी जा रही है तो उनको आप सुने और अगर आप उसके तो साथ दोहराएं, लेकिन उसके अदब के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी बातों को जो है बंद कर दें। तो कुरान पाक का मतलब अदब, इज्जत बहुत जरूरी है, इत्राम बहुत जरूरी है। जो हमारा श्यामा लफ्ज है वो है बलाई, बलाई, बलाई। बलाई होती है कामयाबी। जब एक बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ता है, अच्छे काम करता है, किसी से जो है झगड़ा नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, सब कामों से ही करता है, मतलब उसका जो वो क्या है, वो बलाई की तरफ जा रहा है। बड़ों का कहना मानता है, छोटों से प्यार करता है, तो वो बलाई की तरफ जा रहा है, वो अच्छा है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो उसका जो नतीजा मिलता है वो हमें बलाई में मिलता है। जैसे ये कि कुरान पाक की खुसूसियत भी यहाँ पे टॉपिक है, तो वहाँ पे हम बलाई लेंगे। अगर हम कुरान मजीद के पढ़ेंगे, उसके उस पर अमल करेंगे, तो समझ को पढ़ेंगे, तो फिर प्यार बच्चों हम जो है हमें बलाई मिलेगी, दुनिया में भी बलाई मिलेगी और आखिरत में भी बलाई मिलेगी। बलाई का मतलब होता है कामयाबी। बलाई में आप ये भी कह सकते हैं खुश रहना। जब बंदा कामयाब होता है वो खुश होता है, तो बलाई खुश भी होगा, खुशी भी होगी। कुरान पाक को पढ़ने से, उसको समझने से हम जो है वो खुशी की तरफ जा रहे होते हैं, बलाई की तरफ जा रहे होते हैं। जो हमारा एट वाला जो नया लफ्ज है वो है जिंदा जुबान, जिंदा जुबान, जिंदा जुबान, जिंदा जुबान। यहाँ पे कुरान मजीद की खसूसियात से जो हमने स्टोरी से लिया है, जिंदा जुबान, जिंदा जुबान किस जुबान को कहा गया है, जो कुरान पाक की जुबान है उसको कहा गया है जिंदा जुबान। कुरान पाक जब हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ तो तब से लेकर वो तब उसमें कुरान पाक में नबियों की कहानियां हैं, उनके वाक्यात हैं, लेकिन कुरान मजीद की ये खसूसियात है कि उसकी जुबान जिंदा है। कि आज भी अगर हम अपने उसको कुरान को खोलेंगे तो वो जिसकी उसमें जो कहानियां हैं वो हमारी जो है जिंदगी के मुताबिक होंगी। हमें ये लगेगा वो जो उसने साल पहले की वो किताब नहीं, वो आज है, वो आज के बारे में किताब है। अगर हमें कोई मसला है तो अगर हम कुरान पाक खोलेंगे तो कुरान पाक अगर हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल टोटली हमारी ही लाइफ पर होगा, क्योंकि कुरान पाक की जुबान जिंदा है। जिंदा जुबान का मतलब है कि वो हर जमाने में जो है उसी के मुताबिक होगी, जो जैसा जमाना होगा उस जमाने के मुताबिक वो उसकी जो जुबान है मतलब जिंदा है। तो ये प्यारे बच्चों आपके जो अनुमान है कुरान मजीद की खसूसियत, उसके नए अल्फाज थे, 8 नए अल्फाज हैं। आपने अपनी कॉपी पे नए अल्फाज को नोट करना है, नोट करने के बाद आप उनको याद करना है। इसके आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।